मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सेल का एक बहुत ही अनोखा ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक्सेल में कैसे सर्च बॉक्स बना सकते हैं। एक बार पहले आप लोगों को टेबल दिखा देते हैं कि सर्च बॉक्स कैसे काम करता है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट करके रखा है जो कि WBACDCL कंज्यूमर मंथली पेमेंट रिपोर्ट का है। इसमें सपोज मान लीजिए कि आप भी कोई एक ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे कंज्यूमर्स है या तो कस्टमर्स है जिसका डिटेल्स आपके पास रखा हुआ रहता होता है, तो और कस्टमर्स आके आपको अगर बोलेगा कि मेरा डिटेल्स सर देख लीजिए, तो आप उससे बस कंज्यूमर नंबर पूछेंगे या तो अगर अकाउंट नंबर हो तो अकाउंट नंबर पूछेंगे, जैसे कि हम लोगों के साथ बैंक में होता है। हम लोग अगर बैंक में कोई भी इंक्वायरी के लिए जाते हैं तो हम लोगों से पहले अकाउंट नंबर पूछा जाता है। तो आप भी अगर कंज्यूमर नंबर या अकाउंट नंबर पूछ लेते हैं और उस नंबर को आप चाहते कि सर्च बॉक्स में लिखेंगे और एंटर करते ही वो नंबर कौन सा लाइन में है वो आपके पास आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही छोटा टेबल है लेकिन बहुत सारा ह्यूज डेटा जब रहेगा तो इसका जरूरत आपको सबसे ज्यादा होने वाला है। तो एक बार दिखा देते हैं। माने कि कोई कंज्यूमर आया और आपसे बोला कि मेरा कंज्यूमर नंबर है सर 001234 64। सपोज ये कंज्यूमर नंबर आपको बोला और आप उसको टाइप करने के बाद जब भी एंटर देंगे, देखिए यहाँ पे कंज्यूमर नंबर जिस लाइन में है वो शो हो गया। देखिए यहाँ पे निर्मल सरकार, जिसका पूरा डिटेल्स, प्रीवियस यूनिट, क्लोजिंग यूनिट, टोटल यूनिट, यूनिट चार्जेस, मीटर रेंट, एडिशनल चार्जेस, ड्यू बैलेंस, टोटल अमाउंट, जो भी उसका डिटेल्स है वो उसका लाइन आपके सामने एकदम दिख रहा है। और एक हम लोग ट्राई कर लेते, जैसे कि 001234 60 सर्च कर लेते हैं, एंटर, देखिए वो भी आ जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हो कैसे रहा है, मतलब कैसे ये हो रहा है, वो ही हम लोग इसमें सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोगों को इस तरह का एक टेबल आपका एक्सेल में क्रिएट करना होगा, जैसे मैंने किया है। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, आप लोगों का जैसा जरूरत होगा उस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन सर्च बॉक्स एक जरूर ही बनाना होगा आपको, क्योंकि सर्च जो करना है हम लोगों को, इसके लिए सर्च बॉक्स का होना बहुत ही जरूरी है। तो साइड में मेरा जगह नहीं है इसलिए मैंने ऊपर में बना दिया है। तो आप लोग अगर टेबल बनाने के बाद साइड में जगह रहेगा तो आप साइड में भी बना सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी जगह में बना लीजिएगा। तो मेनली यहाँ पे हम लोगों को क्या सीखना है कि सर्च बॉक्स कैसे काम कर रहा है। तो टेबल क्रिएट हो जाने के बाद आप लोगों को टेबल का जो डेटा है, मतलब टोटल टेबल में जो भी डेटा है, उस सारा डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा विदाउट हेडिंग, मतलब हेडिंग को आप लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते। बिना हेडिंग के पहले पूरा डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए टेबल में, जितना भी आपका डेटा है। तो देखिए, मैंने पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लिया है हेडिंग को छोड़ के। इसके बाद आप लोगों को जाना होगा होम टैब में, होम टैब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से न्यू रूल्स से देखिए एकदम नीचे में है यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, एकदम लास्ट वाला जो है उसमें क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, ये एक बॉक्स आएगा उसके नीचे में, तो उस बॉक्स में आप लोगों को पहले क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो लिखना है वो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। पहले आप लोग एक इक्वल्स टू साइन दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा सर्च, SEARCH। ठीक है, सर्च लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और आप जहां पे बॉक्स बनाया है सर्च बॉक्स, मतलब जिस बॉक्स में, देखिए यहाँ पे दो बॉक्स दिख रहा है सर्च का, एक में लिखा है सर्च है और दूसरा फाका है, तो फाका जो बॉक्स, मतलब ब्लैंक जो बॉक्स है, उसी में आप बाद में कंज्यूमर नंबर को टाइप करेंगे सर्च करने के लिए, तो वो वाला बॉक्स में अभी आप एक बार क्लिक कर दीजिए। तो उस बॉक्स में क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएगा K3, मतलब ये वाला जो बॉक्स है मेरा वो K3 बॉक्स है, तो डॉलर साइन देके K3 आ गया है। उसके बाद आपको देना है कॉमा। देने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पे कंज्यूमर नंबर के ऊपर सर्च किया है। आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं जो टेबल बनाऊंगा या उसमें जो सर्च करेंगे वो कंज्यूमर नेम से भी होगा या यूनिट, टोटल यूनिट या प्रीवियस यूनिट या कोई भी यूनिट से होगा, तो आप लोगों को मेहनत थोड़ा ज्यादा करना होगा। तो कैसे करना होगा वो भी दिखा देते हैं। पहले आप लोग देख लीजिए कि कंज्यूमर नंबर से बस आप लोगों को अगर सर्च करना होगा तो कैसे करना होगा। तो मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू सर्च देके सर्च बॉक्स में क्लिक कर लिया है, उसके बाद कॉमा देके कंज्यूमर नंबर से मुझे सर्च करना है, इसलिए
कंज्यूमर नंबर जहां से आपका स्टार्ट हुआ है, मतलब यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो B8 आप लोगों को दिखेगा। एकदम फर्स्ट वाला जो कंज्यूमर नंबर है वो है 00123456। तो उस जगह से या वो ही कंज्यूमर नंबर से मेरा सारा कंज्यूमर नंबर बाद में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं वो मेरा फर्स्ट कंज्यूमर नंबर है, इसीलिए मुझे वो 00123456 मतलब एकदम फर्स्ट कंज्यूमर नंबर जो सेल में है उस सेल का नंबर यहाँ पे मुझे टाइप करना है। तो उस सेल का नंबर कितना है फ्रेंड्स? B8, ठीक है। तो पहले एक डॉलर साइन दीजिएगा, कॉमा देने के बाद डॉलर साइन लिखने के बाद B8, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना है, बस आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट मैं आप लोगों को और भी दिखा दूंगा कि आप लोग अगर कंज्यूमर नंबर से या कंज्यूमर नेम से या प्रीवियस यूनिट से भी सर्च करना होगा तो भी आप लोग कैसे कर पाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने कंज्यूमर नंबर का B8 वाला सेल नंबर को देने के बाद फॉर्मेट में क्लिक कर दूंगा। क्यों फॉर्मेट में जाना है? क्योंकि जिस कलर से, मतलब जब आप लोगों को सर्च करने के बाद रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट वाला लाइन का कलर कैसा होगा वो मतलब चूज करना होगा, तो इसलिए फील्ड में जाना होगा। फील्ड में जाने के बाद कौन सा कलर से आप उसको देखना चाहते हैं, जो लाइन दिखेगा आपको सर्च करने के बाद वो कौन सा कलर से दिखेगा, तो मैं येलो कर देता हूं अभी। तो उसके बाद ओके, और फिर से एक बार ओके। उसके बाद देखिए हो गया है। देखिए आप लोगों को अगर ओके करने के बाद पूरा टेबल कलर में मिलेगा तो डरने का कोई बात नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जब आप ओके किए तो यहाँ पे सारा जो भी कंटेंट है, जो भी लाइन है, वो सारा येलो कलर में आ सकता है। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग एक बार कोई भी नंबर दे के सर्च कर लीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे ओके करने के बाद आपको कोई भी एक नंबर से सर्च करना होगा, तो मैं एक नंबर से सर्च कर लेता हूँ कोई भी एक नंबर से, जैसे कि 00123473 ये वाला नंबर को मुझे सर्च करना है। तो वो नंबर को लिखने के बाद एंटर, तो एंटर देने के बाद देखिए यहाँ पे वो लाइन दिख रहा है जिस लाइन में ये वाला कंज्यूमर नंबर है, ठीक है। और एक बार सर्च कर लेते हैं दूसरा कोई नंबर से, जैसे कि 00123459 वाला सर्च कर लेते हैं, एंटर। देखिए 00123459 निर्मल विश्वास वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से फिर बहुत ही इजीली आप लोग सर्च कर सकते हैं। बहुत सारा ज्यादा कंटेंट रहेगा तो भी ये आराम से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज का यहाँ पे मतलब एक चीज हो सकता है कि आपका डेटा अगर बहुत नीचे में भी चला जाएगा तो आपको स्क्रॉल करना पड़ सकता है, मतलब स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो स्क्रॉल करने से भी मतलब ये आसान होगा सर्च करना, क्योंकि वो कलराइज हो जाएगा लाइन, तो आपको देखना और समझना दोनों ही आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग सर्च बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल में। अब आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग अगर चाहते हैं कि इसको हमको डिलीट करना कि नहीं चाहिए सर्च बॉक्स, तो ये डीएक्टिवेट इसको कैसे करेंगे आप लोग। तो उसके लिए पहले सर्च बॉक्स में आपका कोई भी नंबर अगर रहेगा तो उसको ब्लैंक कर लीजिए और एक एंटर दीजिए, मतलब सारा सर्च यहाँ से हटेगा। उसके बाद आपको फिर से वही कंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस कंटेंट को सिलेक्ट करके आप ये जो फॉर्मूला या रूल्स था वो लगाए थे, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वो सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को जाना है होम टैब में, होम से फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर वहां से मैनेज रूल्स। मैनेज रूल्स से देखिएगा यहाँ पे आपका जो रूल्स बनाया हुआ था वो यहाँ पे दिख रहा है, आप लोगों को क्लिक करना है डिलीट रूल्स में और अप्लाई और उसके बाद ओके। तो फिर से एक बार चेक करने के लिए कोई भी एक नंबर दे के सर्च कर लीजिए कि ये दिखा रहा है कि नहीं। मैं 1 2 3 4 5 6 5 सर्च कर लेता हूँ, देखिए अभी ये नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, ओके। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप लोग सर्च बॉक्स बना के इसका यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों को दिखा देते हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि नेम मुझे कंज्यूमर नंबर से बस नहीं, मुझे कंज्यूमर नेम से या टोटल यूनिट से भी सर्च करना है कंज्यूमर्स को, तो वो कैसे हो सकता है। तो उसके लिए मैं फिर से टेबल का जो डेटा है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो टेबल को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वहां से न्यू रूल्स, फिर यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट, फिर फॉर्मेट का बॉक्स में क्लिक करके इक्वल्स टू सर्च फर्स्ट ब्रैकेट सर्च वाला बॉक्स में क्लिक कर दीजिए, उसके बाद कॉमा डॉलर साइन दीजिए। आपको कंज्यूमर नंबर से तो सर्च का ऑप्शन रखना ही पड़ेगा, इसलिए मैं भी यहां पे कंज्यूमर नंबर का ऑप्शन रखता हूं, मतलब कंज्यूमर नंबर का फील्ड जो उसको ऐड कर देता हूं वो है B8। तो B8 उसके बाद आप जो भी फील्ड्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कंज्यूमर नेम से भी सर्च करना और
टोटल यूनिट से भी सर्च करना, तो वो भी हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, B8 लिखने के बाद मतलब कंज्यूमर नंबर जो है उसको देने के बाद आप एंड साइन लगा दीजिए, एंड साइन देने के बाद फिर से एक डॉलर साइन, और उसके बाद आप कंज्यूमर नेम का जो फील्ड नंबर मतलब फील्ड है उसका जो सेल नंबर हो रहा है वो दीजिए, मतलब वो होगा C8, जहां से स्टार्टिंग हो रहा है वो देना है आपको। जो सेल में फील्ड का नाम लिखा हुआ है वो वाला सेल नहीं देना है, क्योंकि हम लोग टेबल का हेडिंग जो है उसको सिलेक्ट नहीं किए हैं और उसको मेरा सर्च में लाना भी नहीं चाहते, तो उसके लिए जहां से मेरा नाम शुरू हो रहा है या डेटा शुरू हो रहा है वो सेल नंबर देना होगा, तो C8। उसके बाद फिर से मुझे अगर टोटल यूनिट से भी सर्च करना है तो टोटल यूनिट का हो रहा है आपका F8, तो मैं फिर से एक एंड साइन उसके बाद फिर से एक डॉलर साइन देके F8 टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके फॉर्मेट में जाना होगा, फॉर्मेट से एक कलर चूज कर लीजिए, उसके बाद ओके, फिर से ओके। तो पहले ये ऐसा कलर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एक नाम से मैं यहाँ पर सर्च करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मेरा एक कंज्यूमर है यहाँ पे अमित पाल, तो वो लिख के एंटर दिए, अब देखिए अमित पाल का लाइन जो है वो दिख रहा है। कंज्यूमर नंबर से ये काम कर रहा है कि नहीं वो भी एक बार देख लेते हैं। कोई अगर स्टाफ ये कोई भी कस्टमर अगर बोलेगा कि मेरा कंज्यूमर नंबर ये है, तो कंज्यूमर नंबर से भी आपको सर्च करना पड़ सकता है। तो 0012345 मैं लिखता हूँ और एंटर, देखिए उससे भी वो सर्च हो रहा है। ओके, उसके बाद नाम से तो सर्च करना दिखाई दिए, दूसरा एक नाम से सर्च करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि निर्मल विश्वास, एंटर। देखिए निर्मल विशेष का जो लाइन है वो दिखा रहा है। इसके बाद मैंने और एक दिया था जो कि टोटल यूनिट है, तो उसको भी एक बार देख लेते, टोटल यूनिट का घर को भी सर्च करके देख लेते वो दिखा रहा है कि नहीं। जैसे कि मानिए 1111 वाला लाइन को देख लेते हैं, ये देखिए 1111 जिस लाइन में वो लाइन भी मेरा दिखा रहा है। तो और एक बार देख लेते हैं, टोटल यूनिट दिखा रहा है कि दूसरा नंबर से 448 दे देते हैं, ये देखिए 448 का जो जिस लाइन में है वो दिखा रहा है। इसका मतलब है फ्रेंड्स, आप लोग कंज्यूमर नंबर से, कंज्यूमर नेम से, टोटल यूनिट से, या तो आप लोग अगर चाहते हैं प्रीवियस यूनिट और क्लोजिंग यूनिट, या तो कोई भी फील्ड से भी आप लोग सर्च का ऑप्शन रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है करना, एक बार करके देख लीजिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आप लोग को होता है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरे से जितना हो सकता है मैं हेल्प आप लोगों को कर दूंगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।